विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, ममलेश्वर भगवान की, धुनी वाले दादा की, नर्मदे महारानी की, कुबेरेश्वर महादेव की, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगरधानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से आप और हमको माँ नर्मदा जी के पवित्र तट पर ओंकारेश्वर बाबा की पवित्र भूमि से ये पवित्र शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं आप और हम सभी जो माँ नर्मदा जी के तट पर बैठकर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग श्री ओंकारेश्वर बाबा की, श्री ममलेश्वर बाबा की पवित्र भूमि, कथा के मुख्य यजमान स्वयं श्री ओंकारेश्वर भगवान ममलेश्वर बाबा और उनकी कृपा से श्री गोपाल बंसीलाल जी सोमानी परली बैजनाथ से, अमित मुदगल रजनी मुदगल बिहता अंबाला हरियाणा से, राजमल शंकर लाल जी सोनी, गोपाल शंकर लाल जी सोनी देवास से, संजय माणिक चंद्र गवते सोलापुर महाराष्ट्र से, दामोदर ममता चांडक महेश्वरी रायपुर छत्तीसगढ़ से, स्वर्गीय कमल किशोर साहू, नरेंद्र जी साहू, माँ कर्मा टेंट हाउस नागपुर महाराष्ट्र से, श्री विधायक महोदय माननीय नारायण जी पटेल, श्री विधायक माननीय श्री सचिन जी बिरला, एक बार जोरदार ताली बजाकर इन सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन, जिन्होंने इस पवित्र शिव महापुराण की कथा का यजमान पद ग्रहण कर भगवान शिव की ये पवित्र कथा आप और हम तक पहुंचाई है। जितने आस्था चैनल पर कथा सुनने वाले हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुनने वाले हैं, अपने अपने घरों पर बैठकर जो कथा का रसपान कर रहे हैं, ये मानकर सुनी है कि आप भी माँ रेवा की गोद में ओंकारेश्वर बाबा के धाम में बैठकर कथा सुन रहे हैं। लोग कहते हैं शिव कृपा, भगवान ओगड़दानी की कृपा। शिव कृपा का मतलब क्या होता है? शिव कृपा का मतलब यह नहीं है कि जीवन में दुख नहीं आएगा। शिव कृपा का मतलब यह है कि जिंदगी में दुख, ऐसा कोई मानव नहीं, संसार का ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसके जीवन में दुख ना आए। शिव कृपा का मतलब होता है कि जीवन में दुख तो आएगा, पर वो दुख मेरे महादेव की कृपा जब होती है तो मालूम नहीं पड़ता, वो दुख कैसे अपने आप कट जाता है और समाप्त हो जाता है, उसको शिव कृपा कहते हैं। जिन ओंकारेश्वर भगवान की पवित्र भूमि पर हम बैठकर कथा सुन रहे हैं,
जरा विचार करिएगा अपने भाग्य का। जिस भूमि पर मार्कंडेय ऋषि बैठकर धर्मराज युधिष्ठिर को कथा सुनाते हैं, जिस भूमि पर आकर अर्जुन भगवान शंकर को स्तुति कर याद करता है और भगवान शंकर को प्रागट होने के लिए कुछ संपूर्ण विश्व में यज्ञ करता, जो यज्ञ को भूल गए थे उस यज्ञ को कराने के लिए वापिस देवाधिदेव महादेव को प्रकट करता। इंद्र के सारथी मातली भगवान शिव का जिस भूमि पर गुणगान करते हैं, जिस भूमि पर साधारण कोई संत नहीं, साधु नहीं, सन्यासी नहीं, तपस्वी नहीं, साधक नहीं, उपासक नहीं, जिस भूमि पर मां नर्मदा के तट पर भगवान ओमकारेश्वर की पवित्र भूमि पर अगर एक कंकर भी हमको मिलता है तो वो शंकर का प्रतिबिंब हो जाता है, तो यहां रहने वाला एक एक मनुष्य संत के बराबर हो जाता है। साधारण नहीं हो आप यदि कथा श्रवण करने के लिए आए हो तो मेरे देवाधिदेव महादेव के कोई आपका संबंध पुराना होगा, कोई रिश्ता आपका और बाबा का पुराना होगा, जो मेरे ओमकारेश्वर बाबा ने आपको झाला देकर यहां बुलाकर कथा श्रवण करवा दी। बस शिव कथा कहती है, भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कहता है। जितना अपने भरोसे को दृढ़ बनाते चले जाओगे उतना मेरे शंकर के करीब होते चले जाओगे। स्वयं ब्रह्मदेव भगवान शिव को नहीं जान पाए थे, ब्रह्मा जी भगवान शंकर को नहीं पहचान पाए, और नहीं पहचान पाए तो उन्होंने ब्रह्मदेव ने स्वयं भगवान नारायण से कह दिया था कि मुझे मेरे पिता का नाम मालूम है कि आप मेरे पिता हो, पर क्या आपको आपके पिता का नाम मालूम है कि आपका पिता कौन है? क्या आपको मालूम है कि आपके पिता कौन है? अब जरा विचार करिएगा, भगवान ब्रह्मदेव भगवान ब्रह्मा स्वयं कह रहे हैं भगवान विष्णु से कि आपके पिता का नाम क्या है, आप स्वयं बताओ। और भगवान देवाधिदेव महादेव का नाम लेने में मेरे नारायण पीछे नहीं हटे, मेरे भगवान विष्णु ने उसी समय कह दिया कि मेरे पिता भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव है। जिसने दिया है ना उसका गुणगान करने में पीछे क्यों हटना? यहाँ पर ये हजारों पत्र आते हैं, आखिरी दिन आप लोग पत्रों का दर्शन करेंगे कि यहाँ इतने सारे पत्रों का ढेर लग जाता है, पत्र पत्र इकट्ठे हो जाते हैं। ये पत्र क्यों लिखते हैं लोग? क्योंकि उनको मालूम है जब भगवान नारायण अपने पिता का नाम, भगवान विष्णु का, भगवान नारायण भगवान शिव का नाम लेने में पीछे नहीं हटते, ब्रह्मा जी अपने पिता का नाम लेने में पीछे नहीं हटते, जिसने दिया उसका नाम लेने में पीछे क्यों हटना? इसलिए लोग पत्र लिख कर भेजते हैं कि मेरे महादेव को जल चढ़ाने पर मुझे क्या फल की प्राप्ति हो, महादेव को जल समर्पित करने पर, मेरे महादेव का नाम स्मरण करने पर, मेरे महादेव को एक बेलपत्र समर्पित करने पर, मेरे शंकर के मंदिर जाने पर मुझे क्या फल की प्राप्ति हुई? और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख का दया करी ने दर्शन शंभु शरणे मांगू दया करी। जब तुम्हें महादेव दे
जब तुम पर महादेव कृपा कर दे, जब तुम पर देवाधिदेव महादेव की करुणा हो जाए, तो उस समय पर समझना कि मैं अकेली नहीं, मेरे साथ में मेरा शंकर, मेरे साथ में मेरा देवाधिदेव महादेव मेरे संग में चल रहा है। अच्छा, शिवजी को आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, अपन सब भगवान शंकर को शिव शंभू भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? जम के जरा बोलो, शिव शंभू। शंभू का मतलब क्या है? स्वयं भू। शंभू का मतलब क्या है? स्वयं प्रकट होने वाला, आजन्मा, मृत्यु से परे। मेरे राम जी महाराज को पृथ्वी पर आना पड़ा तो मेरे राम जी महाराज को वापस जाना पड़ा, मेरे भगवान कृष्ण को पृथ्वी पर आना पड़ा तो मेरे भगवान कृष्ण को वापस जाना पड़ा। साधु संत ब्राह्मण गुरुजन तपस्वी जन साधक जन उपासक जन और आप और हम, जब पृथ्वी पर कोई मनुष्य जन्म लेता है तो उसको वापस जाना पड़ता है। मानव का जन्म मिला है तो वापस जाना पड़ता है, पर मेरे देवाधिदेव महादेव को कहा गया शिव शंभू। शंभू का मतलब है कि जो स्वयं प्रकट हुआ है, जो स्वयं सामने प्रकट हो गया, जो स्वयं है, जिसका कोई माता नहीं, जिसका कोई पिता नहीं और जिसका कोई शुरुआत से लेकर कोई अंत नहीं दिखता, वो स्वयं शिव शंभू स्वयं प्रकट होता है और अपने जनमानस का कल्याण करता है। स्वयं और शंभू शरणे मांगो घड़ी रे दुख दया करने दर्शन। जो स्वयं प्रकट है, जो दुनिया का दुख हरने के लिए हमेशा निरंतर विराजमान है, कल माननीय विधायक जी पटेल जी के साथ में मां नर्मदा जी का पूजन करने के लिए, मां नर्मदा जी की कृपा से मां नर्मदा जी कहीं इशारा कर झाला देकर अपने पुत्र को बुला ली होगी, तो मां की करुणा हुई तो नर्मदा जी का पूजन करने के लिए गए। अम्मा नर्मदा जी का पूजन करने के लिए गए, वहां पर विप्र ब्राह्मण श्री श्री रविशंकर जी महाराज जी के सानिध्य में जो आश्रम है उसी में जो वेदशाला पाठशाला है वहां के विद्वान ब्राह्मणों ने पूजन कराई। अब पूजन करते करते माँ रेवा मैया की गोद में, माँ रेवा जी के जल में, महारानी के उस आंचल में, माँ रेवा मैया के जल के अंदर मछलियों का दर्शन हो रहा है। जरा ध्यान देना कथा पर, बहुत बहुत जो अनुभव किया वो बताने में कुछ नहीं जाता। रेवा मैया के आंचल में, रेवा मैया की गोद में, मेरी माँ नर्मदा मैया की गोद में, माँ रेवा के जल में मछलियों का दर्शन हो रहा था, छोटे छोटे जीवों का दर्शन हो रहा था। कोई मछली बड़ी थी, कोई मछली छोटी थी, कोई बहुत छोटा सा जीव था, कोई बड़ा जीव था, और वो रेवा मैया की गोद में अटखेलियां कर रहे थे। अब मन में ब्राह्मण देवता ने हाथ में पुष्प देकर बिठाया और वो मछलियां, वो जीव दिख रहे थे, तो मन में एक भाव प्रकट हुआ। एक मछली का जन्म हो जाता है तालाब में, एक जीव जंतु का जन्म हो जाता है कुएं के अंदर,
एक जीव जंतु का जन्म हो जाता है खड्डे में भरे हुए जल में, एक जीव जंतु का जन्म हो जाता है कहीं तालाब में, कहीं सरोवर में, कहीं नदी में। पर धन्य है मां नर्मदा, धन्य है मेरी मां जो तेरी गोद में ये जीव भी अगर जन्म लेते होंगे तो ना जाने इन्होंने कितने तप करे होंगे तब जाकर ये नदी में जन्म लिए हैं तेरी गोद में। मां इन मछली ने, इन कीड़ों ने, इन जीवों ने मां कितना तप करा होगा, कितना तप। मां इन जीवों ने कितना तप करा होगा, तप तेरे जल में हे माई नर्मदा। इन जीवों ने कितना तप करा होगा माई नर्मदा, इन जीवों ने कितनी साधना करी होगी और इन जीवों ने कितना तप करा होगा हे माई नर्मदा, तब जाकर ये जीव तेरे जल में जन्म लिए, तेरे जल में। और अब ये तो हो गई जीव की बात, आप जरा विचार करिएगा कि जितने मां नर्मदा के तट पर ब्राह्मण, संत, साधु, गुरु, तपस्वी, साधक, उपासक और जितने गांव, जितनी बस्तियां, जितने नगर मेरी मां नर्मदा के तट पर बसे होंगे, जरा विचार करना वहां रहने वाले भी कोई साधारण संत से कम नहीं होंगे। उन्होंने कितना तप करा होगा जो माई नर्मदा के तट पर विराजमान हो गए। और जितने आज कथा में बैठे हो, पंडालों में तो जगह नहीं है पर रोडों पर जो बैठे हुए हैं, पेड़ों की छांव में जो बैठे हुए हैं, जो इधर उधर जहां तहां विराजमान है, गाड़ियों के नीचे अपना अपना टेंट, अपना अपना छाता लगा लगा कर जो लोग बैठे हुए हैं, जरा ध्यान देना कि मां नर्मदा की गोद में जो जीव जन्म लिया वो भाग्यशाली है। मां नर्मदा के तट पर जितने जीव रह रहे हैं, जो गांव, जो संत, जो शहर, जो नगर, साधु सन्यासी, ब्राह्मण, संत, तपस्वी जो मां नर्मदा के तट पर रह रहे हैं वो तो भाग्यशाली हैं, पर आज आप और हमारा भी भाग्य है जो मां नर्मदा ने अपने को झाला देकर यहां कथा सुनने के लिए बुला ली। ये आप और हमारा भाग्य है। और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने सोशल मीडिया पर कथा सुन रहे हैं, वो भी भाग्यशाली हैं जो मां नर्मदा के तट से, ओमकारेश्वर जी की पवित्र भूमि से ये कथा मानधाता राजा की पवित्र भूमि से श्रवण करी जा रही है। और वो राजा मानधाता कोई साधारण नहीं थे, जिनकी ये धरती है, जिनकी ये भूमि है। उज्जैन में क्या महाकाल बाबा ऐसे ही प्रकट हो गए? काशी में क्या मेरे विश्वनाथ जी ऐसे ही प्रकट हो गए? सोमनाथ जी में क्या मेरे सोमेश्वर महादेव ऐसे ही प्रकट हो गए? नागेश्वर भगवान क्या ऐसे ही प्रकट हो गए? मल्लिकार्जुन क्या ऐसे ही प्रकट हो गए? केदारनाथ जी में क्या केदारेश्वर बाबा ऐसे ही प्रकट हो गए? क्या वेदनाथ जी में वेदनाथ जी ऐसे ही प्रकट हो गए? क्या ओंकारेश्वर में मेरा ओंकारनाथ ऐसे ही प्रकट हो गया? नहीं, मेरा ओंकारेश्वर बाबा ऐसे ही प्रकट नहीं हुआ। ना जाने कितने तप साधना कितना कितना करा होगा तब जाकर हमको और आपको और ये कली काल में 12 ज्योतिर्लिंग में अगर लिंग का दर्शन, शिव का दर्शन यदि आप और हमको हो रहा है तो अपने आप को भाग्यशाली समझना कि मेरे भोले बाबा की बड़ी कृपा है जो 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन हो रहा है। यह हमारा और आपका भाग्य है। एक कथा आती है, ये ओंकारेश्वर की धरा को मानधाता ओंकारेश्वर भी कहते हैं। ओंकारेश्वर वाले जानते होंगे इस बात को। एक पवित्र चरित्र आता है, इच्छावकु वंश में एक राजा हुए जिनका नाम था योवनाश। बड़े प्रतापी थे, बड़े धर्मात्मा थे, भगवान की अविरल भक्ति में डूबने वाले थे और इनका तपबल बड़ा तीव्र था। पर मेरा जो देवाधिदेव महादेव है ना, वो बड़ी बड़ी विचित्र विचित्र लीला करते हैं। मेरे शंकर बड़ी विचित्र विचित्र लीला करते हैं।
बहुत विचित्र है। अब शुमहापुराण की कथा कहती है हमारे भजन पर, हमारी तप साधना पर हमारे भोजन का बड़ा प्रभाव पड़ता है। एक लाइन बहुत लोग गुनगुनाते हैं, आज अपन भी गुनगुनाए कि जैसा खाया अन्न, बोलो बोलो जम के बोलो रे निमाड़ वालों, जैसा खाया अन्न वैसा हो गया। जैसा खाया अन्न वैसा हो गया। अन्न का प्रभाव, एक चरित्र आता है, एक राजा थे, एक सेठ था, और वो सेठ जब सोता तो रात्रि में उसको एक स्वप्न आता कि मेरे घर में पानी टपक रहा। अब ऐसा सपना तो आप लोगों को भी हर कभी आता रहता होगा, कोई ना कोई स्वप्न आप लोग देखते ही रहते होंगे। तो सेठ जी को स्वप्न आया कि मेरे घर में पानी टपक रहा है। अब सेठ जी मन में विचार करते, मैं रोज सोता रोज पानी टपकता दिखता। अब विद्वानों से जाकर उसने पूछा कि महाराज बताओ पानी टपकना कैसा होता है। तो महाराज, अब विद्वानों ने कह दिया कि पानी टपकना ऐसा होता है वैसा होता है, सब बता दिया विद्वानों ने, जो विद्वान बता सकते थे उन्होंने बताया। अब एक विद्वान ने पूछा कि यह बताओ कि पानी टपकने का सपना क्या रोज आ रहा है प्रतिदिन? अब सपना भी आता है तो रोज बदल बदल के आए तो चल जाए कि भाई कभी दिन तुमको बिमलाबाई दिख जाए, कभी तुम्हें कमलाबाई दिख जाए, कभी भैरू सिंह दिख जाए, हैं कभी रामकिशन दिख जाए, कभी अपना परदादा जी दिख जाए, कभी दादाजी दिख जाए, कभी अपना पुराना घर दिख जाए, कभी अपना नया घर दिख जाए, कभी कुछ दिख जाए, कभी कुछ दिख जाए, तो ये सपने आते रहे, चल जाए, कभी सांप दिख गया, कभी बिच्छू दिख गया। ये सपना तो आता रहता है। एक विद्वान ने पूछा, ये बताओ क्या तुमको रोज पानी टपकता हुआ दिखता? उसने कहा कि हाँ महाराज जी, बस समझ में नहीं आता कि मैं रोज, बस दिन में भी अगर मैं थोड़ी देर लेट गया तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे घर में पानी टपक रहा, मैं रात को भी सो गया तो सपने में आता है कि पानी टपक रहा, मेरा अच्छा खासा बंगला, चार मंजिल की मेरी बिल्डिंग, अब इसमें पानी कहां से टपकेगा गुरु जी, मेरे को समझ में नहीं आ। गुरु जी ने कहा अच्छा अभी जा, मैं तुझे बाद में बताऊंगा, जा। अब वो सेठ जी चले गए, और सेठ जी गए तो वो जाते 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 तीन चार दिन बाद फिर वो अपने मित्र को लेकर संत के पास आ गए, गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। गुरु जी ने पूछा क्या हुआ? कि वो पानी टपक रहा अभी भी। गुरु जी ने पूछा अभी भी पानी टपक रहा? हाँ पक्का? हाँ। अब गुरु जी ने पूछा एक बात बता, तू रोज तुझे पानी टपकता दिखता है सपने में, अब तू मुझे बता कि तेरे घर में कौन कौन रहता है? तो कहा गुरुजी मेरी पत्नी है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरे माता है, मेरे पिता है, मेरे घर में नौकर है, चाकर है, सब है। फिर गुरुजी ने पूछा अब ये बता भोजन कौन बनाता है? तो सेठ जी ने कहा एक भोजन बनाने वाली बाई आती है माता जी, और वो भोजन बनाती है। अच्छा ठीक है, भोजन बनाती है वो? हाँ ठीक है। और तू भोजन करता है? बिल्कुल। घर का कोई व्यक्ति भोजन नहीं बनाता? नहीं, मेरी पत्नी परोसती है, पर भोजन वो बाई बनाती है, भोजन वो माँ बनाती है। ठीक है। अब संत ने कहा एक काम कर, आज तू घर जाना और वो भोजन वाली जो माँ हो ना, भोजन वाली जो बाई हो, उससे जरा बैठकर बात करना कि माँ एक बात बता, तू कुछ दुखी है क्या? तुझे कोई तकलीफ है क्या? तुझे कोई कष्ट है क्या? उसने कहा इससे क्या होगा महाराज जी? तो सेठ जी से कहा सेठ तू जरा जाकर मालूम तो कर। अब सेठ जी गए, भोजन बनाने वाली माँ जब भोजन बना रही थी, भाई जब भोजन बना रही थी, सेठ जी उसके पास में गए और जाकर पूछ लिया, माँ एक बात बता, तू भोजन बनाती है, तेरे को कोई कष्ट है क्या? तेरे को कोई दुख है क्या? तेरे को कोई तकलीफ है क्या? इतने में बूढ़ी माँ रोती हुई बोली, मैं क्या बताऊं सेठ जी, मेरा घर, बारिश का समय, तीन बच्चे मेरे, और वो घर में छपरे में से पानी दिन भर टपकता रहता है, मैं उसके टेंशन में इतनी रहती हूं, मेरे बच्चे गीले होते रहते हैं, मैं कैसे उनको सुला, ये मेरा दुख है।
मैं दिन भर यही सोचती रहती हूँ मेरे बच्चे कैसे सोएंगे, क्या करेंगे, पानी टपकता है मेरे घर के अंदर, बस वो मेरी तकलीफ है। इतने में दौड़ कर सेठ जी अपने संत के पास गए, गुरुजी गुरुजी, मैंने उससे पूछ लिया, वो कह रही थी कि मैं दुखी हूँ, मेरे घर में पानी टपकता है। बस गुरुजी ने कहा, भोजन बनाने वाली जैसा भोजन बनाते समय अपनी बुद्धि और विवेक को रखती है, वैसा खाने वाले पर असर पड़ जाता है और वो असर तुझ पर पड़ गया, वो असर तुझ पर पड़ गया। जैसा खाया अन्न, बोलो बोलो रे जी जीवन साहब, बोलो मेरे जी जान भी बोलो, जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन। जिस दिन आपको क्रोध आ रहा है, जिस दिन आपके मुख से अपशब्द निकल रहा है, जिस दिन आपके मुख से गाली निकल रही है, जिस दिन आपके मुख से बद्दुआ निकल रही है, जिस दिन आपके मुख से आड़े तेड़े शब्द निकल रहे हैं, जिस दिन आपके मुख से अपशब्द निकल रहे हैं, जिस दिन आपके मुख से किसी के लिए आड़ा तेड़ा निकल रहा है, समझ लेना हमने किसी ऐसे वैसे के घर का अन्न खा लिया, इसलिए हमारे मुख से आज अपशब्द निकल रहे हैं, हमारे मुख से आड़े तेड़े वचन निकल रहे हैं, हमारे मुख से अपशब्द निकल रहे हैं। हमने किसी के यहाँ का कुछ ऐसा खा लिया, किसी के यहाँ का कोई पदार्थ आ गया, किसी के यहाँ का कोई भोग आ गया, किसी के यहाँ का कोई वस्तु आ गई जिसको हमने ग्रहण कर लिया, जिसके कारण आज मुझे क्रोध आ रहा है, जिसके कारण आज मुझे ईर्ष्या उत्पन्न हो रही है, जिसके कारण आज मुझे क्रोध की उत्पत्ति हो रही है। विचार करना, मनन चिंतन करना, बैठ के एकांत में विचार करना कि मैंने किसके घर का अन्न खा लिया जो आज मेरी बुद्धि बिगड़ गई, मैंने किसके घर का अन्न खाया, मैंने किसके घर का भोजन ग्रहण कर लिया जो मेरा विवेक बिगड़ गया, मैंने अपशब्द कैसे कह दिया, मैंने ताने कैसे दे दिए, मैंने गाली कैसे दे दी, मैंने आड़ा तेड़ा कैसे कह दिया, मैंने क्रोध क्यों आ रहा है। जब घर में सब नॉर्मल है, जब घर में सब शांति है, तो तुम्हें क्रोध क्यों आ रहा है? समझना कि हमने कहीं किसी के घर का ऐसा अन्न तो नहीं खा लिया जिस अन्न के कारण आज हमें तकलीफ भोगना पड़ रही है। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से बच नहीं पाएगा, तो बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। जरा विचार करिए अपने भीतर, जरा अपने भीतर विचार करिए कि हम कौन सा अन्न ग्रहण कर रहे हैं। दो जगह बहुत ध्यान देना महाराज, आप ब्रज की रज में जाएं, मां यमुना जी का पान करिए, आप मां रेवा के तट पर जाएं, मां नर्मदा जी के जल का दर्शन और पान करिए, आप मां गंगा के घाट पर जाएं, काशी जाएं, हरिद्वार जाएं, आप प्रयागराज जाएं, मां मां गंगा के जल का आचमन करिए, प्रणाम करिए। और किसी मंदिर में, किसी मंदिर में, किसी देवालय में, किसी शिवालय में, मेरे राम के मंदिर में, मेरे कृष्ण के मंदिर में, मेरे शंकर के मंदिर में, मेरे नारायण के मंदिर में, मेरे गुरुजन के मंदिर में, मेरे दत्त भगवान के मंदिर में, मेरे भगवान के मंदिर में, 33 कोटि देवताओं के मंदिर में, और किसी सतगुरु की शरणागति में, किसी संत की कहीं समाधि स्थल पर, किसी संत के दरवाजे पर, किसी संत के आश्रम पर, किसी संत के द्वार पर अगर पहुंचे, तो दो चीजों का स्मरण करना, एक बार वहां की रज को अपने मस्तक जरूर चढ़ाना, और दूसरी बार वहां अगर पीने के लिए पानी मिल जाए, जल आचमन करने के लिए मिल जाए, तो जल का आचमन जरूर करना, उससे हमारा मन तन और बुद्धि पवित्र होती चली जाती। उससे हमारा मन, उससे हमारी बुद्धि, हमारा तन पवित्र होते चले जाता है। मैं धन्यवाद दूंगा संपूर्ण ओमकारेश्वर के आसपास के सभी ग्रामीण वासियों को, खरवोन, खंडवा, मोरटक्का, चाहे उस पार नर्मदा जी के बसे हुए गांव हो, चाहे इस पार के सारे गांव हो, चाहे वो बूंदी हो, चाहे वो आसपास के सतवास हो, ये हो, सब आसपास के ग्रामीण वासियों को साधुवाद दूंगा।
कि माँ नर्मदा जी के तट पर चल रही इस कथा में ऐसा कोई गांव का व्यक्ति नहीं है जिसने सहयोग नहीं करा। जगह जगह पानी के टैंकर लगा देना, जगह जगह नाद भर कर रख देना, जगह जगह पानी के प्याऊ की व्यवस्था कर देना, जगह जगह पानियों की व्यवस्था कर देना, और ऐसी व्यवस्था का दर्शन कल कल हमारे हमको किसी ने आश्रम पर सीहोर में मैसेज करा और मैसेज कर कर कहा कि गुरुजी हम इतनी कथाओं में गए पर ओमकारेश्वर की कथा में जो गांव के लोगों ने पानी की व्यवस्था और अन्य व्यवस्था करी ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं मिल पाई। धन्य है रे माँ रेवा के तट पर रहने वाले ओमकारेश्वर के सारे ब्राह्मण संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक और सारे ग्रामीण वासियों को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मैं इस माँ नर्मदा के तट पर रहने वाली मेरी जीजियों के चरणों को दंडवत करके प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ कि मेरी बहनों ने अपने अपने घर के दरवाजे अपने अपने आए हुए मेहमानों के लिए खोल दिए। एक बार जोरदार ताली बजाओ मेरी इन बहनों के लिए। बहुत साधु धन्य है आपको, साधुता है आपको। धन्य है ग्रामीणवासी जिन्होंने ट्रैक्टर ट्राली टैंकर सब लगा रखे हैं लाइन से लेकर वहां तक। धन्य और मिला ये मानव का जो देह मिला है ना, मानव का जो शरीर मिला है ना, ये बड़ी मुश्किल से मिला है, बड़ी मुश्किल। वो कहते हैं ना, अरे मैंने मानव जन्म तुझको मेरा, उसने बड़ी कृपा कर कर यह मानव जन्म दिया है, मानव का शरीर दिया। मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया, तू यूं ही गवाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया, तू यूं ही गवाए तो मैं क्या करूं। मैंने नैनों में ज्योति बराबर दी, मैंने नैनों में ज्योति बराबर है दी, तू गीता ना पढ़ता तो मैं क्या। मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया, तू व्यर्था गवावे तुम्हें क्या। मैं क्या कर सकता हूं, मैंने वाणी मैंने जिभ्या वाणी बराबर गिरी, मैंने जिभ्या वाणी बराबर गिरी, हरि नाम ना जपता तुम्हें क्या करूं। शिव नाम ना जपता तुम्हें क्या करूं। मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया, तू यूं ही गवा दे मैं क्या। मैं करूं तो करूं क्या, क्या कर सकूं। कितनी मिन्नत से, कितनी प्रार्थना से, कितने भाव से, कितने दिल से, कितने निवेदन से, कितने कितने भाव से हाथ पैर जोड़कर भगवान ने यह मानव का शरीर दिया और यह मानव का शरीर हमको मिला और उस मानव के शरीर को हमने व्यर्थ गंवा दिया, तो उस शरीर का फिर मूल तत्व क्या, क्या मूल तत्व। इच्छावकु वंश में यौनाश्व नाम के एक राजा हुए जिनका भजन प्रबल था, जिनकी भक्ति प्रबल थी, जिनका विश्वास प्रबल था, और जिनकी भक्ति जिनका विश्वास जिनका भरोसा प्रबल होता है उस पर शिव की कृपा। एक पत्र है देखिए,
मेरा नाम अनमोल पटेल है, मैं जिला कानपुर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हैं? मेरा नाम अनमोल पटेल है, मैं जिला कानपुर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हूँ। आप ही हैं? ऐसा हाथ हिला दो। मेरा नाम अनमोल पटेल। अनमोल जी वापस हाथ हिलाओ एक बार। ठीक है, दिख गए। मेरा नाम अनमोल पटेल है, मैं जिला कानपुर की रहने वाली हूँ। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ। आ जाओ अनमोल जी, आइए। माँ आई है क्या आपके साथ में? हाथ हिलाओ माँ, आप भी आ जाओ। आ जाओ, आ जाओ, दोनों आ जाओ। मेरा नाम अनमोल पटेल है, मैं जिला कानपुर की रहने वाली हूँ। गुरुजी, आप लोग पत्र को एलईडी पर पढ़ सकते हैं, आस्था चैनल पर पत्र को पढ़ सकते हैं। मेरा नाम अनमोल है, अनमोल पटेल, मैं जिला कानपुर की रहने वाली हूँ। गुरुजी, एक लोटे जल का मैं क्या गुणगान करूँ। मेरी माँ रेवा देवी को बच्चेदानी में कैंसर लास्ट स्टेज पर पहुँच गया था। बच्चेदानी में कैंसर लास्ट स्टेज पर पहुंच गया था, तब मैंने सन 2022 में आपकी कथा सुनी और मैंने अपनी माँ को शिव महापुराण के बारे में बताया। और वहाँ गुरुदेव कहते हैं कि बाबा पर विश्वास रखो और मंदिर जाओ और मंदिर में जाकर एक लोटा जल भगवान को समर्पित करो, मंदिर में सफाई करो, मंदिर में जाया करो और मंदिर में सफाई करने के बाद भगवान का प्रणाम करो, जो जल चढ़ाओ उसका आचमन किया करो, उसी जल का आचमन कर लो। मैंने अपनी माँ से कहा और माँ ने वो करना प्रारंभ करा। मैं सीहोर गई, एक रुद्राक्ष लाई और रुद्राक्ष लाकर मैंने वो माँ को दिया। तांबे के कलश में उसको गलाकर शिवजी को चढ़ाकर उस जल का आचमन करना प्रारंभ करा। डॉक्टर ने कह दिया था कि लास्ट स्टेज का कैंसर है, अब इनका ठीक होना बड़ा कठिन है, अंतिम समय इनका चल रहा है। आज 2022 से मैंने भगवान देवादिदेव महादेव पर भरोसा करा, आज मेरा पूरा कैंसर समाप्त हो चुका है। मैं बाबा को यहाँ दंडवत प्रणाम करने के लिए आई हूँ, मैं शिव को प्रणाम करने के लिए। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे बाबा ने मेरी लाज रखी, 2022 से आज तक मुझे ठीक रखा है। ये शिव और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनु, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगूत में खजाना कुबेर का, गंग धार मुक्ति द्वार ओंकार तू भोले ओंकार, आयो शरण तिहार शंभु तार तार। हम देवदिदे महादेव को अगर भरोसे के साथ में, हम देवदिदे महादेव को विश्वास के साथ में, हम देवदिदे महादेव को एक भरोसे के साथ, एक विश्वास के साथ हम देवदिदे महादेव को जब रिझाते हैं तो मेरा महादेव सुनता जरूर है। मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभु सुनता जरूर है। और मेरी जीजियों और जितने मेरे जीजा बैठे हैं और जितने मेरे भाई बहन यहां पर बैठे हैं, जितनी मेरी माताएं बैठी हैं, जितने मेरे भाई बंधु बैठे हैं, उन सब से कहूंगा, मेरी बेटियों से कहूंगा, मेरे बेटों से कहूंगा, आवाज में मेरी बेटियों से कहूंगा, मेरे बेटों से कहूंगा, आप कर्म करो, मेहनत में कोई कमी मत आने देना। आपकी मेहनत में अगर कोई कमी नहीं आई
तो ये विश्वास मानकर चलना, तुमने जो शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाया है तो भरोसा रखना कि मेरा बाबा तुम्हारी नैया डूबने नहीं देगा, तुम्हें पार जरूर लगा। हाँ, मेहनत ही ना करो। कई कई लोग संसार में ऐसे हैं जो भाग्य के भरोसे बैठे हुए हैं, हमें पंडित जी ने कह दिया, हमें महाराज जी ने कह दिया, हमें गुरु जी ने कह दिया, सब बदलेगा, समय आएगा तब हो जाएगा। कुछ मत करो, घर में बैठे हुए हैं, फालतू के बैठे हुए हैं, कुछ काम ही नहीं कर रहे और कह रहे हैं कि जब समय आएगा सब अच्छा होगा ना। फिर किसी ने पूछा, तुम काम पर क्यों नहीं जा रहे, तुम काम क्यों नहीं कर रहे, तुम फॉर्म क्यों नहीं भर रहे, तुम कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी क्यों नहीं कर रहे, तुम पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे, तुम मेहनत क्यों नहीं कर रहे। तो वो कई जीजियां कह देती, मेरी बेटियां कह देती हैं, बेटे कह देते हैं, हम तो एग्जाम दे दे के थक गए, अब नहीं दूंगी मैं तो, हम तो एग्जाम दे देकर थक गए, अब मैं एग्जाम नहीं दूंगी, हम तो मेहनत कर करके थक गए, अब मेहनत नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा। जो लोग कहते हैं ना कि हम फॉर्म भर भर के थक गए, हम मेहनत कर करके थक गए, हम परीक्षा दे दे कर थक गए, हम प्रयास कर करके थक गए, अब नहीं करेंगे, उनके लिए कथा आती है कि एक व्यक्ति रोड के किनारे पर से जा रहा था और रोड के किनारे पर हाथी बंधे थे, और हाथी भी बंधे थे तो वो रस्सी से बंधे थे। थोड़ा ध्यान देना, हाथी कैसे बंधे जम के तो बोलो, रस्सी से। अब व्यक्ति के दिमाग में आया, इतना बड़ा हाथी और रस्सी से बंधा, अगर हाथी को बांधना था तो चेन से बांधना था, हाथी को बांधना था तो लोहे की जंजीर से बांधना था, हाथी बंधा वो भी रस्सी से, गजब के लोग हैं। व्यक्ति को बेचैनी होने लगी, आखिर हाथी और रस्सी से बंधा, हाथी और रस्सी से बंधा हुआ, बड़ी बेचैनी, बड़ी बेचैनी। माँ कह रही है हम मंदिर जाते हैं, 2022 से कैंसर लास्ट स्टेज का था और डॉक्टर ने कह दिया था कि कुछ महीने की हूँ, और 22 से मंदिर जा रही हूँ और झाड़ू पोछा कर रही हूँ, आज मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ। और खाली ना जाता दर से तुम्हारे, एक पत्र कल आया था, उस पत्र में एक बहन ने लिखा था कि मेरे बच्चे को एक ऐसी बीमारी हो गई जिस बीमारी का इलाज ना विदेश में है ना देश में, जिसने पत्र लिखा था अगर वो बैठी हो, अपने बच्चे को लेकर आई हो, जिनके बच्चे को एक बीमारी हो गई थी जिसका इलाज, जिसके कारण पूरे पांव से धीरे धीरे बच्चा चलना बंद कर देता है और शरीर उसका काम करना बंद कर देता है, जिस बीमारी का नाम भी उन्होंने लिखा था, बैठी हैं कहीं उत्तर प्रदेश से कोई आई थी, अगर बैठी हो जिनके बच्चे को एक ऐसी, वो बीमारी का नाम हमारे स्मरण में नहीं आ रहा है परंतु उन्होंने पत्र में लिखा था,
कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अपने बच्चे को भी लेकर आई हैं। शिव कथा कह रही है, वो पत्र ढूंढना पड़ेगा, बहुत सारे शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रही है। अगर वो कहीं बैठी हो तो अपने बच्चे को लेकर आ सकती है, वो पत्र ढूंढना पड़ेगा। वो तो उन्होंने पत्र में लिखा कि उस बीमारी का इलाज कहीं नहीं है, उसमें धीरे धीरे पांव काम करना बंद करते हैं, शरीर काम करना बंद करता है, और बाद में वो पांव और शरीर पूरा काम करना बंद कर देता है, और मेरी बेटी ने, मेरे बच्चे ने चलना बंद कर दिया। और शिव के मंदिर में चढ़ा हुआ जल, शंकर के मंदिर में चढ़ी हुई बेलपत्र इतना प्रभाव कर गई कि मेरा बच्चा आज बाबा की कृपा से ठीक होकर इस पंडाल में आकर बैठा, उसने पत्र में लिखा। कहीं बैठे हो तो हाथ जरूर हिलाइएगा, ये शिव कृपा से हुआ, ये शंकर की, यहां कोई नहीं है। और चुमहा पुराण की कथा फिर कहती है, दुनिया के लोगों पर भरोसा करोगे तो एक दिन वो भरोसा टूट जाएगा, पर मेरे महादेव पर भरोसा करोगे तो कभी जिंदगी में नहीं टूटेगा, वो भरोसा टूट ही नहीं सकता। आप किस पर भरोसा कर रहे हैं? आप किसके ऊपर पर विश्वास कर रहे हैं? आप किसके ऊपर भरोसा कर रहे हैं? आप किसके ऊपर भरोसा कर कर बैठे हो? किसके ऊपर भरोसा आप कर रहे हो? आपके ऊपर वो निर्भर करता है। आपका विश्वास किसके प्रति है वो आप पर निर्भर करता है। परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीला, अपने पराए, ये तो तुम्हारे ऊपर अपशब्द कहेंगे, ताने भी देंगे, गाली भी देंगे, आड़ा टेढ़ा भी कहेंगे। अब आपसे पूछें, आप कहीं जा रहे हो, जाते जाते ऊपर से पेड़ की डाली टूट के नीचे गिर गई तुम्हारे ऊपर, तो तुम क्या करोगे? जम के तो बोलो। अगर तुम जा रहे हो और पेड़ की डाली टूट के गिर गई तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे सामने छोटी सी डाली तुम्हारे ऊपर गिर गई और तुम्हें जाना है, तो तुम करोगे क्या? बोलो, जल्दी से बोलो, क्या करोगे? पेड़ की डाली छोटी सी टूट के तुम्हारे ऊपर गिर गई और तुम्हें जाना है, तुम्हें इस रास्ते से निकलकर जाना है, कहीं जा रहे हो तुम, कहीं पहुंच रहे हो और तुम्हारे ऊपर पेड़ की डाली छोटी मोटी टूट टूटा के जरा सी डाली गिर गई, तो तुम करोगे क्या? उस डाली को पकड़ के बैठे रहोगे? उस डाली को लेकर अपने घर जाओगे? उस डाली को सबको दिखाओगे कि ये डाली में मेरे ऊपर गिरी थी, ये डाली मेरे ऊपर गिरी थी, ये डाली मेरे ऊपर गिरी थी, इस डाली से मुझे चोट लग गई, ये डाली मेरे ऊपर गिरी थी, बोलते जाओ जरा, करोगे? नहीं। क्या करोगे? अगर पेड़ की डाली तुम्हारे ऊपर गिरी है, तुमने वो पेड़ की डाली को उठाकर एक कोने में फेंका और अपन अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ गए, अपने कार्य के लिए आगे बढ़ गए, अपन चलते चले, अपन जा, अपन अपनी मंजिल की ओर बढ़ते चले जा रहे। अब तुम में से कोई ऐसा है कि वो पेड़ की डाली को साइकिल पे मान लेगा, मोटरसाइकिल पे मान लेगा, गाड़ी में रख लेगा कि ये डाली मेरे ऊपर गिरी थी, मैं तो रखूंगी इसको, सबको दिखाऊंगी, ये डाली थी जो मेरे ऊपर गिरी थी, ये डाली थी जो मेरे रास्ते को रोक रही थी। नहीं, आपने डाली को उठाया
एक कोने में पटक दिया, आपने डाली को उठाया एक रस्ते में पटक दिया, और डाली को एक रस्ते में पटक कर आप अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ गए। शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई आपको ताना दे रहा है, कोई आपको गाली दे रहा है, कोई आपको अपशब्द कह रहा है, कोई आपकी बुराई कर रहा है, कोई आपकी निंदा कर रहा है, कोई आपको अपशब्द पर अपशब्द कहे, समझ लेना कि ये पेड़ की डाली आपके ऊपर गिरी है, इसको एक कोने में पटको और अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते चले जाओ, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते। उस व्यक्ति के मन में यह बात प्रश्न में अड़ गई कि हाथी और रस्सी से बंधा हुआ समझ में नहीं आ रहा है, हाथी को तो साकल से बांधना था, हाथी को तो जंजीर से बांधना था, हाथी को तो चेन से बांधना था, फिर हाथी रस्सी से कैसे बंध गया। अब उस व्यक्ति के बुद्धि में यह बात जम नहीं रही थी, तो उसने महा के हाथी के महावत से पूछा, महावत जी, ओ महावत जी। महावत आए, महावत ने पूछा, क्या बात है भैया, ये बताओ इतना बड़ा विकराल हाथी रस्सी से बंधा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा ये कैसे हो सकता है। महावत ने जो बात कही वो बात तुम्हारे दिल में लगना चाहिए। जो महावत ने कही, महावत ने कहा, ये हाथी जब छोटा था ना बच्चा, तब हम इसको रस्सी से बांध कर रखते थे, इसके पाँव को भी रस्सी से बांध कर रखते थे, इसके गले को भी रस्सी से बांध कर रखते थे। जब ये छोटा था रस्सी तोड़ नहीं पाता था, धीरे धीरे बड़ा होते चले गया, हाथी को लगने लगा ये रस्सी में तोड़ नहीं पाया, तो हाथी को ऐसा अनुभव होने लगा कि अब ये रस्सी कभी भी मुझसे टूटने वाली नहीं है, इसलिए हाथी रस्सी से बंध कर रहने लगा। हाथी को यह लगने लगा कि रस्सी मुझसे नहीं टूटेगी, क्योंकि बचपन से उस रस्सी को बांध कर रखा था। एक बार तुमने एग्जाम दिया सफल नहीं हुए, दूसरी बार एग्जाम दिया सफल नहीं हुए, एक बार कंपटीशन एग्जाम में बैठे सफल नहीं हुए, एक बार परीक्षा में बैठे सफल नहीं हुए, तुमने सोच लिया अब मुझसे नहीं होगा, ये काम तो मुझसे होने वाला नहीं, मैं सीए तो कर ही नहीं सकता, मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई तो कर ही नहीं सकता, मैं डॉक्टर तो बन ही नहीं सकता, मैं कलेक्टर तो बन ही नहीं सकता। अर्थात तुम एक बार प्रयास करे, दूसरी बार तुमने प्रयास करा, तुमने विचार करा ये तो मुझसे होगा ही नहीं, क्योंकि तुम हाथी की तरह हो गए कि रस्सी अब मुझसे टूटेगी नहीं। आखिरी तक हाथी उस रस्सी से बंधा रहता है और हाथी ये भ्रम में जीता है कि रस्सी मुझसे नहीं टूटेगी। हाथी अगर बड़ा हो गया था एक बार प्रयास करता रस्सी टूट जाती और हाथी आगे बढ़ जाता। उसी तरह तुम भी एक बार एग्जाम देते रहते और एक मेहनत दृढ़ता से कर लेते तो आप भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में पास होकर अग्रण्य पड़ जाते। पर हर व्यक्ति के चित्त में ये लगा हुआ है मुझसे तो ये होगा ही नहीं, हमारे बस का तो, अरे बोलो बोलो जम के बोलो, हमारे बस का तो यही, मैं तो ये कर ही नहीं सकती। एक बहू में और एक सास में बहुत अंतर होता है। बहू कह देती है मैं ये नहीं कर सकती और सास कह देती है मैं करके बताती हूं, दोनों में अंतर। बहू कह रही है मेरे बस का नहीं है और सास कह रही है मैं करके दिखाती हूं। बेटा कह रहा है पापा ऐसा नहीं हो सकता और बाप कहता है तो चिंता मत कर, मैं भी थारा बाप हूं, मैं करके बताऊंगा, और बाप करके ही बता देता है। हम ब्रह्म जी रहे। एक बार मेहनत, एक पत्र है देखिए, मैं रजनी काग रतलाम से यहां आई हूं। रजनी काग कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। रजनी जी आप ही हैं, हाथ लगेगा। श्री शिवाय नमस्तु। आ जाओ एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मैं रजनी काक रतलाम से आई हूं। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ेंगे, आस्था चैनल पर पढ़ेंगे। मैं रजनी काक रतलाम से आपके प्रवचन की कथा सुनने के लिए आई हूं। जिस प्रकार गूंगा मिठाई के स्वाद का वर्णन नहीं कर सकता, केवल स्वयं महसूस करता है, वैसे ही
शिव जी की महिमा का मैंने अंतर मन से महसूस किया है और इसका श्रेय बाबा भोलेनाथ को देती हूँ। गुरु जी, मेरी शादी को 2 साल हो चुके थे किंतु संतान नहीं हुई थी। मैंने डॉक्टर से चेकअप करवाया था, बच्चेदानी में गठान होने के कारण डॉक्टर ने मुझे साफ शब्दों में कह दिया था कि आप कभी माँ नहीं बन सकती। मैंने भोलेनाथ पर विश्वास करा। रतलाम के पास बिलपाक गांव में विरूपाक्ष महादेव के मंदिर में मैंने बाबा देवाधीन महादेव की खूब अर्चना करी, बाबा से विनती करी और बाबा से निवेदन कर कर शंकर जी की आराधना करी, जल चढ़ाया, शिव की आराधना करी, बेलपत्र का प्रयोग करा, आंकड़े की जड़ प्रयोग करा, गर्भ ठहर गया। पर डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारे गर्भ में बच्चा नहीं है, 1 किलो की गठान है। अब फिर जब 1 किलो की गठान अब करे तो करे क्या, मैं बाबा का क्या वर्णन करूं। गुरुदेव, बाबा की ऐसी कृपा हुई कि समय के अनुसार गर्भ में जो बच्चा था उसने जन्म लिया और जन्म लेने के बाद जब कठान की सोनोग्राफी दूसरी बार 6 महीने के पश्चात बच्चे के जन्म के बाद जब दूसरी बार सोनोग्राफी कराई गई तो जो 1 किलो की गठान थी वो भी पूरी गल चुकी थी। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए, मैं शिव को धन्यवाद देने के लिए। अब ये और मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, मेरे बाबा दया महापुराण की कथा कहती है जिस दिन हम उसके आश्रित हो गए फिर हमें किसी के आश्रय में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सब समान है, सब हमारे सुख को, हमारे दुख को, हमारे जीवन की सभी उलझनों को वो समान। अपने कर्म करने में पीछे मत हटो। एक बार मेहनत कर देखिए, लगन लगा कर देखिए, एक इसमें लिखा है 1 किलो की गठान गर्भ में थी। विश्वास करिए, डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है, डॉक्टर शिव का एक रूप है। और शिव महापुराण की कथा कहती है डॉक्टर
डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, डॉक्टर का इलाज भी चलने दो क्योंकि वो शंकर का एक प्रतिबिंब है, शंकर का एक रूप है, और साथ में महादेव पर तुम्हारा भरोसा, एक लोटा जल और एक बेलपत्र चढ़ा हुआ, निरंतर बाबा से मांग कर औषधि के रूप में पाते, उससे विनय करते रहे, उससे निवेदन करते रहे। और जब आप उससे निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, और बहुत ध्यान देना इस प्रसंग पर कि यहां शास्त्र कह रहा है, यहां यौवनाश्व की कथा कर रही है। राजा यौवनाश्व शंकर जी पर इतना भरोसा करते थे, इतना विश्वास करते थे, शिव जी पर इतनी दृढ़ता थी उनकी, पर एक कमी थी यौवनाश्व के यहां, उसकी आंख में एक बार आंसू आ गए, और आंसू आए तो उसकी पत्नी ने पूछ लिया, रानी ने पूछ लिया यौवनाश्व से कि तुम्हारी आंख में जल, महाराज शंकर का भक्त अगर रोता है ना तो ना जाने कितनों को रुला देता है। इसलिए शिव महापुराण की कथा एक बात कहती है कि जीवन में प्रसन्न रहना सीखो, प्रसन्न जीवन में जितने खुश रह सकते हो उतने खुश रहना सीखो, दुनिया में जितने आनंद में रह सकते हो उतने आनंद में रहना सीखो। आपकी खुशी को कोई छुड़ा ना दे, आपकी प्रसन्नता को कोई छुड़ा ना दे। और फिर निवेदन करूंगा, पहले की कथा में कहा, फिर कहते हैं, एक घंटे की खुशी चाहिए तो एक झपकी ले लो, मतलब थोड़ी देर, अरे बोलो तो जम के, जब पहले बोल चुके हम आज फिर कह रहे हैं, एक घंटे की खुशी चाहिए तो झपकी ले लो, एक दिन की खुशी चाहिए तो गाड़ी लेकर कहीं पिकनिक करने, कहीं घूमने, कहीं हिल स्टेशन चले जाओ। कितने दिन की खुशी, जम जम के बोलते जाओ जरा, एक दिन। एक घंटे की खुशी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, झपकी ले लो। एक दिन की खुशी चाहिए तो क्या करना है, कहीं घूमने चले जाओ। एक महीने की खुशी चाहिए तो आज ही शादी कर लो। कितने महीने की, फिर से बोलो, एक घंटे की खुशी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, झपकी ले लो। एक दिन की खुशी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, घूमने चले जा। और एक महीने की खुशी चाहिए तो आज ही शादी करना। एक वर्ष की खुशी चाहिए तो अंबानी जितना पैसा कमा लो, और अगर जिंदगी भर की खुशी चाहिए तो जिस अवस्था में रह रहे हो उस अवस्था में मुस्कुराना सीख लो। जिस अवस्था में रह रहे हो, झोपड़े में रह रहे हो तो झोपड़े में खुश रहो, और महल में रह रहे हो तो महल में खुश रहो। जिस स्थान पर जैसा समय मिल जाए, जैसी घड़ी, जैसा पल मिल जाए, वैसे रहना खुश। और खुशी अगर सीखना है तो नर्मदा जी के तट पर रहने वाले एक एक झोपड़े में रहने वाले व्यक्ति से सीखो कि नर्मदा जी जब उछाल पर आती है, घरों में पानी भरा जाता है तो भी उसके चेहरे की स्माइल कम नहीं होती, और माँ जब चली जाती है अपनी खेती में फिर लग जाता है, स्माइल खत्म नहीं। हंसना सीखना है तो पहाड़ पर रहने वालों से सीखो, उत्तराखंड में रहने वालों से, हिमाचल में रहने वालों से सीखिए,
कि उत्तराखंड में बर्फ गिरती है, पानी गिरता है, पहाड़ गिरते हैं, उसके बाद भी वहां पर रहने वाले एक एक, उत्तराखंड में रहने वाले, हिमाचल में रहने वाले एक एक भाई से, एक एक बहन से मिलकर देखना उसके चेहरे की प्रसन्नता कितनी होती है, वो कितनी स्माइल में, कितनी प्रसन्नता में बात करती है, उसके चेहरे पर सल नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है ये तो उपद्रव चलता रहेगा, ये सब कुछ तो होता रहेगा, पानी भी गिरेगा, पहाड़ भी गिरेगा, पर्वत भी गिरेगा, लोग कहेंगे भी, काली भी देंगे, अपशब्द भी कहेंगे, ताने भी देंगे, कुछ होगा, उछाल भी आएगा, ये भी होगा, सब कुछ होगा। पर फिर निवेदन है, एक घंटे की खुशी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? जम के बोलो जरा, एक झपकी ले लो। एक दिन की खुशी चाहिए तो घूमने चले जाओ, एक महीने की खुशी चाहिए क्या कर लो? शादी। एक महीने की खुशी होती है शादी में, शादी का एक महीना पति बोलता, पत्नी सुनती, शादी का दूसरा महीना पत्नी बोलती, पति सुनता, शादी के बाकी के महीने पति पत्नी दोनों बोलते, पूरा मोहल्ला सुनता। खुशी चाहिए, एक घंटे की खुशी चाहिए सोलो, एक दिन की खुशी चाहिए घूमने चले जाओ, एक महीने की खुशी चाहिए शादी कर लो, एक वर्ष की खुशी चाहिए तो अंबानी जितना पैसा कमा लो, और जिंदगी भर की खुशी चाहिए तो सुख में रहो चाहे दुख में रखो, जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जिस हालात में रह रहे हो उसमें प्रसन्न रहिए, जिस हालात में, और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू प्रसन्नता का केंद्र बिंदु है। जैसे रखे राम ताही विधि रहिए, जैसे राम जी रखे वैसे रहिए, जैसी प्रसन्नता में रखे वैसे रहने का प्रयास करिए। शंकर जी ने जैसा हमारा जीवन दिया है उसमें खुश रहिए, जैसी हमारी जिंदगी जी चल रही है उससे अच्छी कोई की जिंदगी नहीं हो सकती, उससे अच्छी कोई की जिंदगी नहीं हो सकती। आप जाई विधि राखे राम ताही विधि रहिए, प्रसन्नता का जीवन जियो। कौन दुखी नहीं संसार में? अरे बोलो तो जमके, ऐसा कोई बता दो जिसको दुख नहीं है, और जिस जिस की जिंदगी में दुख आया शंकर भगवान ने उसका दुख टाला। मेरे भगवान कृष्ण ने शंकर की आराधना करी है, शिव की आराधना करी है, मेरे राम जी ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले शिव की आराधना करी है, ऐसा कोई बता दो जिसने शंकर की आराधना नहीं करी हो, शिव की आराधना नहीं करी हो। जितने देवता 33 कोटि देवी देवताओं का एक लेख उठा कर देखिए कि सबने शंकर की आराधना करी, शिव की आराधना के बिना रहे नहीं। तेरी कृपा बिना न हिले, आप छोड़ो उसके ऊपर वो सब सब हमारा होना भी यही चाहिए। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चल।
तो बाबा के भरोसे चलते भोले बाबा के भरोसे चलते हैं भोले बाबा के भरोसे चलते ओंकार बाबा के भरोसे चलते हैं ओंकार बाबा के भरोसे चलते हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं ये दुनिया वाले जलते हैं ये दुनिया वाले जलते हैं ये दुनिया वाले जलते हैं ये हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं राज चलना सिखाया बाबा ने हमको चलना सिखाया सब भक्तों से मिलना 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 सिखाया सीना तान के चलते हैं हम तो सीना तान के चलते हैं ये दुनिया वाले जलते हैं ये दुनिया वाले जलते हैं हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं।
के सहारा नाती कहाए, बन के सहारा नाती कहाए, बन के सहारा नाती कहाए, बन के सहारा नाती कहाए। हम तो इनके भरोसे पलते हैं, हम तो इनके भरोसे पलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। इतने पेड़ के नीचे बैठे हैं वो भी दोनों हाथों से बड़े भाव के साथ, राधे बैठकर भगवान देवदत्त महादेव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ। नर्मदे, जहां जगह मिले वहां बैठकर बड़े भाव से विनय करिए, प्रार्थना करो।
जिस प्रार्थना के लिए सब आसन लगाकर बैठते हैं, आप और हम सब मिलकर भगवान देवदत्त महादेव से, ओमकारेश्वर बाबा से, माँ नर्मदा जी के तट पर माँ की गोद में बैठकर माँ से विनय करते हुए निवेदन करते हुए बाबा से प्रार्थना करते हैं। दिल से बाबा को निवेदन करेंगे, श्री शिवाय नमस्तु, विश्व का कल्याण करने वाले हैं, ऐसे मेरे देवदत्त महादेव से विनय कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, यौवना अश्व राजा बड़े धार्मिक और भगवान शिव के प्रति जागरूक, परंतु एक दुख उनकी आंखों में आंसू आ गया और उनकी धर्म पत्नी ने पूछ लिया कि तुम रो रहे? शंकर का भक्त रोए ये अच्छी बात नहीं है। तुम रो रहे हो? हां, क्यों? यौवना अश्व ने कहा कि मेरे रोने का कारण केवल इतना है कि मेरे घर संतान की प्राप्ति नहीं है, मेरे घर में औलाद नहीं है। मेरे घर संतान नहीं, मेरे घर औलाद नहीं। और फिर निवेदन करेंगे, तुम रूका जी का नाम लेकर, तुम रूकेश्वर महादेव का नाम स्मरण कर सफेद आंकड़े की जड़ देवदत्त महादेव पर से घुमाकर कमर में नारी अगर बांधती है, थोड़ा समय लग सकता है। फाइल अगर मोटी है तो थोड़ा दुख काटने में समय लग सकता है, पर मेरा महादेव किसी की गोद खाली नहीं रख सकता, संतान जरूर देता, औलाद जरूर देता, मेरा महादेव खाली नहीं रख सकता। और जो निवेदन, जो प्रार्थना हम करते हैं, वो निवेदन, वो प्रार्थना आप भी रोज करा करो। हे भोलेनाथ,
किसी स्त्री की, किसी नारी की गोद खाली ना रहे और किसी पुरुष की जेब खाली ना रहे, भरे रहे। स्त्री की गोद खाली रहती है तो उसको बहुत सुनना पड़ता है, बहुत झेलना पड़ता है, बहुत बहुत सुनना पड़ता है, और पुरुष की जेब खाली रहती है तो उसको भी बहुत सुनना पड़ता है। लोग ठुकरा देते हैं, ताने देते हैं, अपशब्द कहते हैं, गालियां देते हैं, आड़े टेढ़े शब्दों का संबोधन करते हैं, ताने देते हैं, अपशब्द कहते हैं, गालियां देते हैं, आड़ा टेढ़ा। अरे जिसके पास धन नहीं होता उससे पूछो, कितना सुनना पड़ता है, कितना श्रवण करना पड़ता है, कोई नहीं गिनता कोई। और फिर निवेदन है, इस पवित्र भूमि से, इस मां नर्मदा के तट से, ओमकारेश्वर बाबा की भूमि से फिर निवेदन है, बाबा से ऐसा प्रणाम कर कर जाना शिव महा। भले आप ओमकारेश्वर के रहने वाले हो, भले आप आसपास के रहने वाले हो, भले 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 70 किलोमीटर दूरी से आए हो, भले आसपास के रहने वाले हो, 50 बार ओमकारेश्वर आते होगे, 1000 बार ओमकारेश्वर आते होगे, 1000 बार मां नर्मदा जी का स्नान करने आते होगे, पर 1000 बार आप ओमकारेश्वर आए होगे और मां नर्मदा की स्नान करने के लिए, प्रणाम करने के लिए आए होगे, पर शिव महापुराण की कथा में बैठे हो तो बाबा से अपने दिल की बात जरूर कहकर जाना, मेरा ओमकार बाबा सुनेगा जरूर और झोली भरेगा जरूर। विनय कर कर जाओ, बिना विनय के। एक पत्र है, मैं बिहारी लाल दो गाया गवल, तहसील सनावत, जिला खरगोन का निवासी हूं। बिहारी लाल दोंगाया दोगाया गवल, तहसील सनावत, जिला खरगोन का निवासी हूं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाइए, कहीं बैठे हैं हाथ हिलाइए एक बार, एलईडी पर दिखाओ, टीवी पर दिख नहीं रहे हैं क्या, थोड़ा सा सामने आओ, हाँ दिख गए दिख गए, आ जाइए, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना दादा, आ जाओ। मैं बिहारी लाल दोगाया गवल, तहसील सनावर, जिला खरगोन का निवासी हूँ। पत्र है और मुझे डॉक्टर ने कैंसर बताया था, उन्होंने तो लिखा है पर हम उसको वर्णन नहीं कर रहे, पत्र में उन्होंने वर्णन किया, मुझे डॉक्टर ने कैंसर बताया और डॉक्टर ने बोल दिया था कि इनको तुम घर ले जाओ और सेवा करो, इनका कैंसर लास्ट स्टेज का है, रह नहीं सकते, जितना बन सकता है उतनी सेवा करिए। सन 2023 में जैसे ही कैंसर का सुना तो मेरे घर के लोग मुझे सीहोर ले गए और वहां ले जाकर हमने बाबा को जल चढ़ाया, कंकर शंकर की पूजन करी और एक रुद्राक्ष लेकर हम लोग आ गए। डॉक्टर ने कह दिया कि कैंसर लास्ट स्टेज का, इनको घर ले जाओ और सेवा करो, ये जितने दिन जिए बस सेवा ही है इनकी, थोड़े से महीने के ये मेहमान है, ये डॉक्टर कह दिए। बाबा